नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा बीपीएससी पेपर लीक हो गया, एक अच्छा टाइमिंग भी गुजरने पे रह गया। अब तो करीब करीब 20 दिन क्रॉस भी कर गया है। 8 तारीख को एग्जाम था, पेपर लीक हो गया। आज भी वो बातें अगर दिमाग में आती है तो बड़ा दिल चुपके से रो लेता है। दर्द बहुत है और मैं जो भी बातें यहां से बोलूंगा ऑनेस्टली बात करूंगा। आपको जो सोचना है सोचते रहिए, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। कोई इमोशन नहीं, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट। कुछ ऐसी बातें जिस राज्य की इतनी बड़ी संस्था बदनाम हो उसमें छोटे का क्या अस्तित्व है। फिर मैं कैसे यह ना कहूं कि आने वाले समय में जो सचिवालय आ रहा है उसका सीट नहीं बिका होगा। कोई आके सामने बोल के तो दिखा दे। आप तैयारी करते रहो, घर से टारगेट बनाते रहो, पूरी हिम्मत लगा दो, बड़ी बड़ी संस्था में पैसा उड़ेल दो, आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। ना तो कोई संस्था आपके लिए बोलने के लिए तैयार होगा, ना तो सरकार बोलने के लिए तैयार होगी। आप बर्बाद होते रहोगे, आपके सपने बीच चौराहे पे बिकते रहेंगे, आप हर दिन हर पल हर रातें रोते रहोगे, आपको देखने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। यही है हमारा बिहार, यही है हमारी बिहार की पहचान। और इसी में इतने बड़े मुख्यमंत्री में बैठे हुए हैं सुशासन बाबू। चलो आज करते हैं बीपीएससी को पवित्र। दोस्तों, सुजीत सर बहुत दिन के बाद आके बोल रहे हैं, बातें सही है, हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी अपना काम कर ही रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं उम्मीद और आशा लेके कि चलो जो हुआ उसका तो गम नहीं है, लेकिन जो भविष्य में ना हो उसके लिए जान लगा दें, फिर इसके लिए जो कीमत अदा करना पड़े। जो आज हुआ वो कभी बीपीएससी के इतिहास में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम सब तैयार हैं। रोना बंद करो, आवाज उठाना शुरू करो, चाहे जैसे भी करो, बाकी सोचना आपको साथ देना होगा, हर हालत में साथ देना होगा, वरना अगर साथ नहीं दोगे तो ऐसे ही बिकता रहेगा सपना और आप देख के रोते रहोगे, बाकी सोचना आपको है। अगर बीपीएससी की कमियां शुरू करूं तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले और करवाने वाले दोनों शर्मसार हो जाएंगे। सच बात यही है, कहां से शुरू करूं बीपीएससी की कमियां, कहां से मुझसे सुनना चाहते हो। अब तो शर्म आती है जमाने को बताने में कि बीपीएससी की तैयारी हम करवाते हैं। ऑनेस्टली दिल झुका के कहता हूं, शर्म आती है। इससे अच्छा होता कि थर्ड थ्री फोर्थ क्लास के बच्चे को पढ़ाते, गर्व होता कि शिक्षक है। अब तो शर्म होती है, सही बता रहा हूं, शर्म होती है। शर्म से नहीं बता पाता हूं कि मैं बीपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, यह हकीकत बता रहा हूं। इसकी जो जर आज पकड़ाई है कि आज लीक हुआ पेपर, यह ऐसा मत समझो कि आज यह लीक हुआ है, यह पिछले 64वीं से ही यह ड्रामा चल रहा है और आज जाके यह सच्चाई निकल के आ रहा है। अभी इसके अंदर बहुत बड़े ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है। फॉर्म भरने से ही हमने बता दिया था बीपीएससी भ्रष्टाचार कर रहा है। बीपीएससी लोगों को एसडीएम डीएसपी बनाने के लिए नहीं बनी है संस्था, आप पागल हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है। बीपीएससी सरकार को करोड़ों रुपया यहां से गलत तरीके से करके सरकार को उड़ेल रही है, यही है बीपीएससी। मानना है मानो, आज मानना है मानो, कल मानना है मानो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, सही बता रहा हूं। और जो बीपीएससी के अंदर बैठा हुआ है वो भी पैसा दे के बैठा हुआ है। हां, कुछ परसेंटेज ऐसा है जो ऑन मेरिट गया है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा दे के ही बैठा हुआ है, ये मैं नहीं कहता हूं, आप जाके देख लो, हर दिन खुलासा हो रहा है, हर दिन हर पल खुलासा हो रहा है, हर घंटे में खुलासा हो रहा है। और इसमें बड़ी बड़ी मछलियों से लेके मगरमच्छ तक फंसा हुआ है। हम यह भी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको कुछ नहीं होगा, इस मगरमच्छ को किसी की औकात नहीं है कि पकड़ के दिखा दे, क्योंकि अगर यह मगरमच्छ पकड़ा गया तो फिर सरकार को इस ब्रह्मांड में कृष्ण भी नहीं है जो बचा के दिखा दे। एक तो ऐसे ही एक पीढ़ी पे खड़ा है, कभी भी गिर सकती है, उसके ऊपर से इतने बड़े मगरमच्छ को पकड़ लेगी सरकार, इसकी औकात है क्या। देख तो ले हम भी कि कैसे ही पकड़ा जाता है। अब थोड़ी सी तकलीफ तो होती है,
शुरू से लेके अंत तक भ्रष्टाचार। क्या सुजीत सर, इसकी तैयारी किया जाए या ना किया जाए? तैयारी तो किया ही जाए, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना हो जाए इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। और सबसे पहले आप कहते हैं सुजीत सर आप करते कुछ भी नहीं है, मैं तो हमेशा आपके लिए तैयार हूं, हमेशा हर पल। लेकिन मैं यहां से आपको कहूंगा, आप कमेंट जब करते हो उल्टे सीधे, मैं कहता हूं आप क्या करते हैं हमारे लिए? अरे हमारे लिए तो छोड़ दो, खुद के लिए क्या करते हो? पहले खुद को तो बोल लो। अगर थोड़ा सा कहूं, वीडियो शेयर करो, बताओ लोगों को क्या तमाशा हो रहा बिहार में। बिहार खुद शर्मसार है। कहीं बुद्ध की भूमि थी जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज यही भूमि जहां पे ऐसे ऐसे राक्षस को पैदा करती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या कितने लोग, शर्म की बात है। इन लोगों को देखने के बाद मन करता है ना पता नहीं क्या कर दूं इनके साथ में। 6 लाख लोगों की जिंदगी को नर्क बना के लोग छोड़ दिए, और फिर भी सामने आके बोलते हैं बेशर्मों की तरह। इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है? न जाने कितने ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनकी हर रात पश्चाताप से गुजरती है, हर रात अपने आप को सोचते हैं कि कितनी मेहनत किया था, कितने रात मैंने कुर्बान किया था और बदले में यह मिला, ये मिला। कोई आपके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप नहीं बोलोगे। कोई अपने सर पे जूता मारने के लिए तैयार है? कोई यह बोलने के लिए तैयार है कि जहां चल रही है जो पकड़ाएंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे? अरे पहले पकड़ो तो सही। कोई जो है बड़ी बड़ी संस्था बना के पटना दिल्ली पता नहीं कहां कहां से टीचर को उठा उठा के ला रहा है, कोई आपके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है? नहीं उठाएगा आपके लिए आवाज, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आप में ही एकता नहीं है। सच बात तो यही है, कर भी है लेकिन दिल की बात है। हम शिक्षकों में एकता है, आप मानो या ना मानो, अभी कुछ भी हो जाएगा तो हमारे लिए सबको ही सब शिक्षक खड़ा रहेगा। लेकिन आपके साथ में हो जाएगा, आपके साथ में कोई भी खड़ा नहीं है, आपके अपने भी खड़े नहीं है। कर भी है लेकिन दिल की बात है। कौन है जरा बताओ तो, जो आसपास में बैठा हुआ वो भी आपके लिए तैयार नहीं है? और ये जीता जागता ये कलियुग की निशानी है, और इसीलिए हर बार बिहार में ये हालत होती है। 10th से लेकर 12th तक सब जगह पेपर लीक होता है, अब तो बीपीएससी तक में हो गया है। देखते रहो, कुछ दिन के बाद आप भी लीक कर जाओगे। ये ऐसी व्यवस्था बनी हुई है बिहार में, पता भी नहीं चलेगा आज यहां थे आज यहां से चले गए, और जिसको नाम दिया जाएगा अपहरण का। ये भी तो अपहरण ही हो रहा, पता ही नहीं चल रहा, उससे पहले ये ड्रामा हो जाता है। खैर आप तो खुद ही समझदार हैं। आज भी अतीत में जब नजरें डालते हैं आप लोग, मैं आपको क्रोधने नहीं आया हूं ना आपको रुलाने आया हूं, लेकिन जब जब वो सुबह जो 10 से 12 एग्जाम दिए थे और निकलने के बाद जब क्वेश्चन मिलाए थे तो 110 क्रॉस कर रहा था, क्या वो समय था? निकलते ही हो गया था मेंस लिख रहा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ दे। लेकिन एक राक्षस बैठा हुआ था इसी बिहार में जिसने पेपर को लीक करवा दिया। देखते ही देखते इतने बड़े पद पे बैठा हुआ है, उसके बाद ये ड्रामा, शर्म की बात है। बेहतर है इंसान गवार बन के रह जाए, इतना बड़ा अधिकारी ना बने, कभी ना बने। ये सबसे बड़ा शर्म की बात है इस बिहार की। और यहां पे जितने भी नेता हैं सब कोई मजे ले रहे हैं। सुशासन बाबू आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कम से कम जाते जाते कुछ तो कर दीजिए। बाय गॉड सच बोलता हूं, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो जीना हराम करके रख देता इन लोगों की, जीना हराम करके रख देता इनको। यह मैं बता देता कि सुबह कैसे होती है और शाम कैसे होती है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। शिक्षा को कभी किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, चाहे इसके लिए मैं जिंदा रहूं या इस दुनिया को अलविदा कह दूं। मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने इनकी जिंदगी को जीना हराम करके रख देता, लेकिन अफसोस है कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरा इस बिहार में। इसलिए मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपका अस्तित्व है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आवाज उठाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस आवाज को बुलंद रखिए। कब तक पढ़ोगे? जिंदगी आधी गुजर गई पढ़ के, कहीं सिलेक्शन होता नहीं है। मां बाप आपके ऊपर ही उंगलियां उठाते हैं, हम भी आप ही के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, और वहां बैठा हुआ राक्षस पेपर को ही लीक करवा देता है। शर्म की बात है, शर्म है कितने बड़े अधिकारी हो। इससे बढ़िया होता ना कि कोई गलत काम करता, और ऐसे ऐसे जो भी लोग हैं ना इनको आतंकवादी घोषित कर दो
और बीच चौराहे पे इनको गोली मार दो, ये जिंदा रहने लायक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि 6 लाख के लोगों के साथ में कत्ल हुआ है। एक इंसान का कत्ल करता है तो आजीवन कारावास होता है, 6 लाख के साथ में कत्ल हुआ, कोई बोलने वाला नहीं है। सुशासन बाबू मौज ले रहे हैं, और ले भी क्यों ना, क्योंकि जिनको पकड़ने की तलाश है, अगर वो पकड़ा गया तो सुशासन बाबू कौन से मुंह से बोलने वाले हैं, तनिक सोच के देखना। मन करता बीपीएससी को चौड़ा चौड़ी थाना समझ के जला दूं, सच बात बोलता हूं। ये कोटेशन आपको लग रहा होगा सुजीत सर आप लिखे हैं, ये बच्चों का है, आप लोग का है। 100 साल पूरा हो गया है, एक बार गोरखपुर में चौड़ा चौड़ी करके जला दिया गया था उन राक्षसों को, एक बार फिर से राक्षस पैदा हो गया बिहार में। बीपीएससी मन करता चारों तरफ से सुनामी पैदा कर दो इसके अंदर, कि गलती से भी वहां फिर कोई ऑफिस जिंदा ना रहे, एक भी इंसान जिंदा ना बचे, सब जिंदा आग में राख होकर निकले, उसको समझ में आ जाए, उनकी परिवार को समझ में आ जाए, जैसा किया वैसा भोग रहा है। अगर जिंदा भी है तो जिंदा लायक ना छोड़ा जाए उसे, सच में बोलता हूं। आवेश अंदर में आ जाती है, एक शिक्षक हूं यह सही बात है, लेकिन जब अपने की मौत होती है ना तो इंसानियत तेल लेने चली जाती है। अगर थोड़ी सी इंसानियत अगर अपने अंदर जिंदा रहेगी तभी आप सोच सकते हो। संवैधानिक संस्था, किस बात की संवैधानिक संस्था, जो चोर संस्था है इसको संवैधानिक संस्था, जब चोर संस्था बोलो, करप्शन संस्था बोलो, सारे घुले मुले हुए हैं, एक भी नहीं बचा हुआ है, सबको एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये कोई भी ऐसा नहीं है जो जिंदा रहने लायक है अपने परिवार में। शर्म की बात है, कौन है इसका परिवार जो इनसे मोहब्बत करता है, उसको तो खुद ही इन लोग को गोली मार देना चाहिए, सही बात बता रहा हूं। ये जीने लायक नहीं है, ये 6.5 लाख के कत्ल करने वाला इंसान है, इसको अगर इज्जत आप दोगे तो उस इंसान को कैसे इज्जत दोगे जो 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से कमाता है, उसको क्या कहोगे, उसको लात मारोगे? और ये इतने बड़े ऑफिसर बन के भी इसको आप सलाम करोगे? शर्म की बात है, ऐसे लोगों के ऊपर मुंह में थूक दिया जाए, ये रहने लायक नहीं है, ये कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, ये इस राज्य का सबसे बड़ा आतंकवादी है, इसको घोषित करो और बीच चौराहे पे ले आओ, 6.5 लाख इसे जिंदा जला देंगे, एक भी थोड़ा सा भी पार्ट नहीं बचेगा, लाओ तो सामने इनको, सोचो क्या हो गया। और सुशासन बाबू बैठ के मौज ले रहे हैं, अरे कुछ तो करो, अंतिम समय चल रहा है, कम से कम जाते जाते शिक्षा की आईसीयू से तो बाहर निकाल दो, इन शिक्षा माफियों को मरवा तो दो, मरवा दो, इन्हें जीने का हक नहीं है, जैसे मरवा सकते हो मरवाओ, फिर चाहे इसमें आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी अधिकारी हो, सबको जिंदा मार दो, इन्हें हक नहीं बनता बिहार में जिंदा रहने का, कोई हक नहीं है। इन लोगों ने 6.5 लाख के घर में जीता जागता रोशनी को अंधकार में कर दिया है, इसे किस बात का बचा रहे हो? कौन सा ये इंसान है? क्या ये किया बिहार के लिए? कुछ नहीं किया है, ये बिहार को नरक बना के रख दिया है, बिहार को शर्मसार कर दिया, और ऐसे इंसान को बचा रहे हो सुशासन बाबू? शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, अगर थोड़ी सी आंखों में पानी है तो प्लीज ऐसी हरकत ना आपके समय में ना आने वाला कभी भविष्य में कोई सरकार हो तो इसमें करप्शन हो, इसके लिए कुछ काम कर दो। बहुत हो गया हंसी, बहुत हो गई मुस्कान, कम से कम अब तो कुछ ऐसा काम कर दो जिससे कम से कम कल्याण हो जाए। जो भी बीपीएससी में लीक किया पेपर, जो भी फंस रहा है सबको आतंकवादी घोषित करो, हां सबको करो आतंकवादी घोषित, जो भी हो, क्योंकि जब तक इसको आतंकवादी घोषित नहीं करोगे, ये इतना बड़ा करप्शन है, ये इतना बड़ा दीमक है कि देखते देखते बिहार को चाट जाएगा। ये चाहे ये संवैधानिक पद पे बैठा हो या किसी भी पद पे बैठा हो, ये है इस राज्य का सबसे बड़ा रावण, सबसे बड़ा राक्षस है, इसको जीने का कोई हक नहीं है, चाहे जो भी हो इसको जिंदा जला दो, इसको कोई हक नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से 6.5 लाख का परिवार आज भी रोता है, उसका बच्चा तो जिंदा है लेकिन उस बच्चे के अंदर जो जिंदगी है वो मर चुकी है, हर दिन रोता है जी, हर दिन रोता है। चाहे कुछ भी हो जाए, बीपीएससी को पवित्र कर देंगे, फिर चाहे वो गंगा जल से पवित्र करना हो या फिर कोई भी जल से पवित्र करना हो, बहुत हुआ मजाक, पढ़ा के क्या करेंगे, इन बेरोजगारों से मेरा रोजगार चलता है,
मैं वो इंसान हूं इस धरती का, अगर मैं इसके लिए कुछ नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है जिंदा रखे? बस बताऊं, हिस्ट्री ऑफिसर पढ़ाता हूं, आओ पढ़ लो। मैं सियोर सक्सेस संस्था खोला हूं, आओ खोल पढ़ लो। यहां पे अगर आपके लिए आज आवाज ना उठाया तो सर झुका के कहता हूं कल हमारी जमीर मर जाएगी। मैं हमेशा आपके लिए हूं, फिर चाहे जिंदा रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी भी हालत में शिक्षा के साथ कोई भी मजाक करेगा तो उसे आतंकवादी घोषित करो, उसे जीने का कोई हक नहीं है इस राज्य में। दोस्तों साथ दो जितना दे सकते हो, मैं आपके हिस्से की लड़ाई लड़ूंगा, यह मैं सर झुका के वादा करता हूं। बस एक बार साथ देना होगा। अगर मेरा साथ दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम खुद में तो साथ में रहो। अगर खुद में साथ रहोगे ना तो सरकार तो क्या, प्रधानमंत्री की भी हालत खराब हो जाएगी। ये तो मुख्यमंत्री है जो खुद अपनी औकात से खड़ा नहीं है, खुद अपनी औकात से नहीं खड़ा है, दूसरे से गठबंधन करके बना हुआ है। अगर दूसरा निकल जाए तो औकात जमीन से नीचे चल जाएगी। फिर इससे किस बात का डरना, क्योंकि यूनिटी आपके अंदर नहीं है इसलिए ये लोग मजाक करते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है और आपसे विश्वास भी है, यूनिटी के साथ रहो। हमेशा सामने वाले की औकात दिखाकर रखोगे, नहीं रहोगे तो सामने वाला हर बार पेपर लीक करेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता है। हर 50 लाख में सीट बिक जाएगी। आप तमाशा करते रहना, रिजल्ट उसका होगा जो पैसा दिया है। 10 लाख में तो बिक रहा था प्रीलिम्स का, सोचो इंटरव्यू तक में क्या जाएगा तमाशा। ये सोचने वाला क्वेश्चन छोड़ दिया हूं, बाकी सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कोई कमेंट हो तो जरूर कहिएगा। थैंक यू।